दोस्तों, अगर आपको भी सीआईडी शो देखना पसंद है और आप सीआईडी के इंस्पेक्टर दया यानी कि दयानंद शेट्टी और इंस्पेक्टर पूर्वी यानी कि अंसा सैयद को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएम पिक्सेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ में जो बेल आइकन यानी कि जो घंटी का बटन है उसको भी दबा लीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है और ये जो लॉकडाउन है ये 17 मई तक चलने वाला है। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोग घर पर हैं तो घर पर ही रहिए, अगर आपका घर रेड जोन में आता है तो आप बिल्कुल भी बाहर मत निकलिए अगर कोई ज़रूरी काम ना हो। हालांकि ऑरेंज जोन और जो ग्रीन जोन है वहाँ पे कुछ रियायतें, कुछ छूट जो है वो मिली है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कार्य में हमारे सरकार का भरपूर सहयोग करेंगे और कोरोना से हम लोग जल्द ही जीत जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, इंस्पेक्टर पूर्वी का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है ये वीडियो, और मैंने इसके बारे में पिछला वीडियो भी बनाया था। तो दोस्तों, और इस चीज़ के बाद दोस्तों कई सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझे पूछे कि ये जो वीडियो है क्या ये सच है इंस्पेक्टर पूर्वी का। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका था कि ये जो वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे ये पूरी तरह से झूठ है। इंस्पेक्टर पूर्वी का कोई भी वीडियो जो है वो वायरल नहीं हुआ है। इंस्पेक्टर पूर्वी भी फिलहाल घर पर ही है, और जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता है वो सीआईडी के सीज़न 2 की जो शूटिंग है उसमें अपना योगदान करेंगी, और जितने भी सीआईडी की टीम है वो सीआईडी 2 की जो शूटिंग होगी उसमें ज्वाइन करेंगे उसको। तो दोस्तों, कुल मिला के बात यह है ये सब फेक वीडियो है। अगर आप कुछ भी सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उस पर भरोसा मत करेगा बिल्कुल भी। तो दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में आप घर पर कैसे अपना टाइम पास कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।